सोमवार को हल्की बूंदाबांदी के कारण तापमान में गिरावट हुई तो रजाई गद्दे तथा गर्म कपड़ों की बाजार में भी रौनक लौट आई। सोमवार की सुबह हल्की बारिश के बाद लोगों ने रेडीमेड गारमेंट तथा रजाई गद्दों की दुकानों की तरफ रुख किया। कोरोना महामारी के बाद से मंदी की मार झेल रहे रजाई गद्दू के बाजार में रौनक दिखाई दी। इधर रजाई गद्दू का व्यापार कर रहे व्यापारियों ने बताया कि बीते लंबे समय से बाजार में मंदी के कारण व्यापार उनका प्रभावित था। व्यापारियों ने उम्मीद जताई कि ठंड तथा शादी बारात के सीजन में व्यापार में तेजी आने की उम्मीद है। लॉकडाउन से तो पूरी डाउन थी, बिल्कुल बहुत नुकसान हुआ और इसमें अब 8-10 दिन से मतलब उछाल थोड़ा है। जी वहाँ खरीदा करने आ रहे हैं लोग, इसमें खरीदारी कर ही रहे हैं, शादी ब्याह का भी सीजन शुरू हो गया है। ये दिवाली के टाइम पे जो है थोड़ा सा सुधार हुआ है, अब कस्टमर आने लग गए, जो एक डर था वो भी लोगों का दूर हो गया है और अब जो है थोड़ा मार्केट उठने लग गई है। ठंड के सीजन का कितना असर आपकी दुकान में पड़ता है? ठंड के सीजन में तो लगभग जो है ठीक ठाक ही रहता है वैसे, बाकी जो हमारा कॉटन की रजाई थी इसका ये काम हमारा बहुत प्रभावित हो गया होगा जब से फाइबर की रजाई चली है और ये कंबल वगैरह चले हैं, रेडीमेड टाइप के आइटम आए हैं, तो उसके हिसाब से जो है जो रुई वाला कॉटन वेस्ट का हमारा कारोबार था वो तो लगभग 70-80% जो है इस समय उसमें गिरावट आ चुकी है। लोग फाइबर की रजाई कंबल को ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये लाइफ टाइम के लिए होती है तो, और इसमें जो है शो होती जरा देखने का अच्छा लगता, तो आजकल लोग इसी को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आज बारिश भी हुई है, बारिश की वजह से कुछ उछाल हुआ है? देखो अभी तो अब मौसम खुला है, बाकी आगे को कैसा रहेगा, ठंड बढ़ेगी तो काम बढ़ेगा। CCN न्यूज़ के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।